अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम फूड रील पे बनाने जा रहे हैं नॉस्टैल्जिक फ्राइज। ये आप सब ने बचपन में बहुत खाए होंगे, और बचपन में क्या, हम तो आज भी बहुत खाते हैं। जो रोड साइड पे फ्राइज़ मिलते हैं वो बहुत ही मज़ेदार होते हैं, तो उसी टाइप के फ्राइज आज हम घर में बनाने जा रहे हैं, ताकि आपको बाहर ना जाना पड़े और घर बैठे बैठे आपको फ्राइज़ मिल जाएँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने आलू लिए हैं थोड़े से, आप 3 आलू ले लीजिए। उसके बाद हमने उसमें डाला है सो अभी व्यूअर्स ये देखा, आप देख सकते हैं कि हमने 3 आलू लिए हैं और इसमें हमने डाला है। सो व्यूअर्स, हमने 3 आलू लिए हैं और इसमें हमने ऐड किया है थोड़ा सा, एक चुटकी नमक और 1.5 चम्मच हमने उसमें लिया है कॉर्नफ्लोर। तो अब हम इसको फ्रिजर में रख देंगे ताकि थोड़े सेटल हो जाए, उसके बाद हम इसको डीप फ्राई करें। तो हमने अपनी कढ़ाई रख दी है ताकि अब हम इसमें अपने फ्राइज को फ्राई करें, और अब हम इसमें ऑयल ले रहे हैं। सो गाइस, अब हमने एक पैन ले लिया ताकि अब इसमें अपना ऑयल फ्राई। सो गाइस, अब हमने एक पैन ले लिया है, अब इसको थोड़ा हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब जब ये गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऑयल डालेंगे, और वो ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि आपके फ्राइज उसमें सही से फ्राई हो जाएं। सो अब हम ऑयल डालना शुरू हो रहे हैं। और इतना ऑयल बहुत होगा, काफ़ी होगा। अब हम इसमें अपने फ्राइज डालेंगे, तो मैं अपने फ्रिज से लेके आती हूँ। देख सकते हैं कि हमारा ऑयल गर्म होने वाला ही है, तो इतनी देर में हम अपनी डिप बना लेते हैं। तो आइए और डिप बनाते हैं हम अपनी। हमारे पास होना चाहिए केचप, गार्लिक, दो टेबलस्पून आप गार्लिक केचप डालेंगे, और 1 चम्मच हम डालेंगे, 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे मायोनीज। हियर वी गो, हमने दोनों चीज़ें डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। सो गाइज, आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्मूथ सा ब्लेंडेड सॉस तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें थोड़े से हर्ब्स डालेंगे। हमारे पास 2 तरह के हर्ब्स हैं, एक है पार्सले और दूसरा हमारे पास है ऑरिगेनो। तो अगर आपके पास दोनों में से कोई एक भी है तो हमारा काम हो जाएगा। आप ये हस्बे जायका डाल सकते हैं, या जितना आप खाना चाहें उतना डाल सकते हैं। हमने हस्बे जायका लिया है 2 चुटकी, और तो वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था, लेकिन हमने मैनेज कर लिया। और ये देख सकते हैं आप, एक बेहतरीन सा सॉस तैयार। सो हमारी सॉस तैयार हो गई, ऐसा कि आप देख सकते हैं। अभी हम आपको फाइनल टच दिखाएंगे इसका, और अब हम चलते हैं अपने फ्राइज़ की तरफ। ऑयल हमारा बिल्कुल सही से गर्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें फ्राइज़ डालेंगे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने एक फ्राइज़ डाल के चेक किया है, ऑयल बिल्कुल सही गर्म हो चुका है। अब हम अपने बाकी के फ्राइज़ भी इसमें डाल देंगे। आपने बस ये देखना है कि जो ऑयल का टेम्परेचर है वो आप 10 मिनट के लिए ऑयल को गर्म होने के लिए रखें। ज़्यादा रखेंगे तो फिर आपका तवा जिसमें आप कर रहे हैं फ्राई पैन वो भी ख़राब होगा, और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है आपको। सो एक 10 मिनट तक आप इसको करें गरम, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब ये थोड़ा टाइम लेगा। आपने जो इसका फ्लेम है वो मीडियम ही रखना है, ज़्यादा तेज़ आंच करेंगे तो फ्राइज़ कच्चे भी रह जाएंगे अंदर से और जल भी जाएंगे। अगर बहुत ही लो होगा तो बहुत टाइम लग जाएगा फ्राइज़ को बनाने में, तो आपने ये पॉइंट अपने जहन में रखना है। और अब बस ये थोड़ी देर में तैयार होने वाले हैं फ्राइज़, जैसे कि आप देख सकते हैं। और आपने बार बार इनमें चम्मच चलाना,
और आपने बार बार इनमें चमचा चलाते रहना है ताकि ये जुड़े नहीं आपस में, क्योंकि अगर इनमें कॉर्नफ्लोर मिला हुआ है तो ये चिपकेंगे एक दूसरे से। तो आप ऑयल जब आपके फ्राइज चले जाएंगे तो आपने थोड़ा इस तरह से चमचा चलाना है कि जो फ्राइज हैं वो आपस में जुड़े नहीं, वो अलग अलग ही रहें, वरना तो बिल्कुल अगर आप कॉर्नफ्लोर ज़्यादा कर देंगे उसकी मकदार तो ऐसा भी होता है कि फ्राइज एकदम बिल्कुल चिपक जाते हैं आपस में और फिर वो अच्छे नहीं बनते, वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे भद चावल होते हैं, इस तरह से वो लुक देते हैं। और दूसरी जो मेन टिप है वो ये है कि आप जब कॉर्नफ्लावर और सॉल्ट डाल देते हैं फ्राइज़ में तो आप इनको फ्रिज में ज़रूर रखें, 10 to 15 minutes आप इनको फ्रिज में ज़रूर रखें। उससे ये होता है कि वो एक बिल्कुल ना एक क्रिस्पी सा आपको टेस्ट देगा, जैसे बाहर आपको मिलता है रोड साइड पे आप जाएं तो जैसे पठान बनाते हैं फ्राइज़ तो उस तरह से वो क्रिस्पी हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल वैसे ही टेस्ट करेगा। तो अभी ये हो रहे हैं, सो व्यूअर्स आप ये देख रहे हैं कि हमारे फ्राइज़ होने वाले हैं, बस ये 5 मिनट में पूरे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो आप इनको निकाल लीजिएगा। हमने प्रेजेंटेशन के लिए एक प्लेट तैयार करी है, अभी वो इनकम्प्लीट है। जब हम फ्राइज डाल देंगे तो हम इसके ऊपर डालेंगे क्रीम और उसके बाद हम थोड़े से ऑलिव्स डालेंगे ताकि वो एक बहुत ही मज़ेदार और यमी सा हमें टेस्ट देगा। और आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, ये रेसिपी बहुत बहुत डिलीशियस बनती है। ये हमारे फ्राइज़ देखें आप गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो अब हम इन फ्राइज़ को निकालने जा रहे हैं। हियर वी गो।